चलते हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही कलाकृति से ये बनाया हुआ है। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। कैसे आप लोग? आशा करते हैं आप लोग भी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। तो गाइस अभी रेडी सेडी हो गए हैं, अब चल रहे हैं थोड़ा सा ऑफिस। तो गाइस निकल चुके अभी ऑफिस से, अभी चल रहे हैं थोड़ा सा कहीं चलते हैं घूमने के लिए। तो गाइस जा तो रहे थे कहीं और, लेकिन पहुंच गए कहीं और। रास्ते में है हुमायूं का मकबरा। तो गाइस सुना है ना बहुत ज़्यादा, तो आज अंदर चल के देखते हैं कि हुमायूं के मकबरा में आखिर है क्या अंदर। तो गाइस चलते भी अंदर चल के देखते हैं। तो गाइस सामने है, ये है टिकट काउंटर, यहाँ से लेते हैं टिकट। टिकट लेने के बाद चलेंगे अंदर। तो गाइस फाइनली ये टिकट ले चुके हैं और बहुत सारे लोग इधर टिकट के लाइन में खड़े हैं टिकट लेने के लिए। अब चलते हैं अंदर। तो गाइस अंदर आ चुके हैं, देखते हैं इधर का क्या है। इधर से एंट्री है, आप अंदर जाएंगे यहाँ से। गाइस यहाँ पे कुछ स्टेटस लिखे हुए हैं, हुमायूं का मकबरा स्थल संग्रहालय, श्री डॉक्टर महेश शर्मा ने इनको किया है उद्घाटन। यह ईशा खान का मकबरा, जैसे कि हम अभी अंदर चलेंगे। ईशा खान का मकबरा, चलते हैं अंदर, अंदर देखते हैं क्या है। तो चलते हैं अंदर, बस अच्छा सा व्यूज लग रहा है, अंदर चल के देखते हैं। गर्मी बहुत ज़्यादा है, ओह माय गॉड, बहुत ही सुंदर व्यूज यहाँ पे। ओह माय गॉड गाइस, देख सकते हैं बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे। चारों तरफ किला नुमा बना हुआ है। बहुत ही सुंदर दृश्य है यहाँ पे, बहुत ही अच्छी कलाकृति बनाई गई है इसे। अंदर देखते हैं चल के क्या है। ओह माय गॉड, माय गॉड गाइस, ये देख सकते हैं अब इधर ये जीना बना हुआ है, क्योंकि जीने का आगे रास्ता बंद है, लेकिन इसके ऊपर ये चमगादड़ों का अड्डा बना हुआ है, जैसा कि देख सकते हैं लटका हुआ है। ये देख सकते हैं आप, ओह माय गॉड, उड़ा ही चमगा। तो गाइस चलते हैं अब अंदर की तरफ, अंदर से काफ़ी सारी भीड़ आ रही है, अंदर चल के देखते हैं क्या है। गाइस चलते हैं अंदर की तरफ। थोड़ी सी राहत सी लग रही है इधर गर्मी से, उस तरफ बाहर के साइड तो बहुत तगड़ी गर्मी थी। अंदर कुछ लंबी लंबी गाड़ियां हैं, शायद कुछ टूरिस्ट हैं बाहर के। इधर भी एक गेट नुमा कुछ बना हुआ है। तो गाइस चलते हैं अभी अंदर चल के देखते हैं। इसमें एंट्री करते ही कुछ यहाँ पे बनाया हुआ है,
तो गाइस ये है हुमायूं टाउन जो कि 7 मंजिला है, बहुत ही शानदार। ओह माय गॉड, ये अंदर का सीन है जिस गेट से हम अभी एंट्री किए हैं। चारों तरफ फील्ड है, पेड़ पौधे हैं एकदम सुनहरे। इधर भी पूरा फील्ड है और ज़्यादातर विदेशी पर्यटक यहाँ पे मिल रहे हैं देखने के लिए। इधर देखिए बच्चे मौज मस्ती करते हुए। कोई अंदर की तरफ चलते हैं, ऊपर चल के देखते हैं क्या है। चलते हैं ऊपर की तरफ। बहुत ही कलाकृति से ये बनाया हुआ है। वैसे है जीना ऊपर चढ़ने का। चलते हैं ऊपर। ओह माय गॉड, माय गॉड, यह है 7 मंजिला इमारत। माय गॉड, बहुत ही सुंदर कलाकृति बनाने वाले ने। अभी लेके चलते आप लोगों को इसके अंदर क्या है। ओह माय गॉड, आप देख सकते हैं पत्थरों की कलाकृति की गई है और पूरा ही एक पत्थर से बना हुआ है, पत्थरों से ही बना हुआ है। बहुत ही सुंदर कलाकृति की गई है। यहाँ पे मकबरा बनाया हुआ है। अंदर चलते हैं देखते हैं। माय गॉड, बना हुआ है। ये चारों तरफ एक जैसा बना हुआ है, तो दूसरे साइड है। एकदम चारों तरफ एक ही डिज़ाइन, एक ही सिंबल बना हुआ है। पूरा में फील्ड है। तो गाइस चारों तरफ का व्यू आप लोगों को दिखा दिया गया, अब चला जाए क्योंकि अब टाइम भी हो रहा है, 6:30 बजे तक ये बंद हो जाती है। तो चले एक और देखते हैं अपना। गाइस ये चारों तरफ का व्यूज है, अब चलते हैं बाहर। थक चुके हैं,
घूम घूम के, और बहुत ही सुंदर कलाकृति से बना हुआ है ये, बहुत ही अच्छा। तो गाइस चारों तरफ घूम लिए और थक भी गए, अब चला जाए बाहर, इसे देख रहे बहुत अच्छी व्यूज है। ओह माय गॉड, चलते हैं बाहर। तो गाइस अब बाहर की तरफ जा रहे हैं, आप फटाफट बाइक लें और निकल जाए। ओह माय गॉड, ये बात है, ये गिर गया बच्चा, क्या चल रहा है, कुरकुरे दांत खड़ा हो जाएगा। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं बाहर, चलें घर। तो गाइस फाइनली आ चुके हैं घर, अभी हम चलते हैं ऊपर। डुक्कू सेठ आ चुके हैं मुझे लेने के लिए। माय गॉड, लीजिए हेलमेट लीजिए, चलते हैं ऊपर। माय गॉड गाइस फाइनली आ चुके हैं घर, पढ़ाई हो रहा है, सर ड्राइंग बन रहा है, ड्राइंग थोड़ी है। अच्छा प्रोजेक्ट, ओके। गाइस खाना पीना हो गया, अब सोया जाए, नींद भी आ रही है, फिर अब कल मिलते हैं आप लोगों से अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड नाइट, बाय।